गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे. चिकन चीजी ब्लास्ट्स आर रेडी. तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सोनिया. आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया यूट्यूब चैनल. मैं हूँ सोनिया. तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चीज़ी ब्लास्ट बॉक्सेस. उसके लिए उसके डो के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 कप हमें मैदा चाहिए, 2 कप हमें मैदा चाहिए, ये 1 टीस्पून सॉल्ट है. इसके अंदर मैंने पिंच अजवाइन और पिंक बेकिंग सोडा भी डाल दिया है. हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से. हमने इसको मिक्स कर लिया है, सॉल्ट अजवाइन बेकिंग सोडा ये पूरा इसमें मिक्स हो जाना चाहिए. ये 1/4 कप हमारे पास घी था, ये हमने डाल दिया है. इसको अब हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स का टेक्सचर अटेन करने तक इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये रेसिपी थोड़ी सी अलग है. इसमें मैंने 1 कप से थोड़ा कम गुनगुना दूध ले लिया है. हम दूध से इसकी डो गूंदेंगे और थोड़ी सख्त डो गूंदेंगे. डो वैसे ही गूंदनी है जैसे समोसों के लिए मैंने आपको बताई थी, जैसे कचौरी के लिए मैंने आपको बताई थी. लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हम इसमें दूध का यूज़ कर रहे हैं और पानी का यूज़ नहीं कर रहे. तो मैं डो गूंद के फिर आपको बताती हूँ. ओके जी, तो ये डो रेडी है. ये देखें इतनी सख्त होनी चाहिए और जितना मैंने दूध लिया था उतना इसमें से बच भी गया. तो इसको मैं गीले कपड़े से कवर करके इसको मैं रख देती हूँ फॉर 30 मिनट्स. इसको मैं 30 मिनट्स रेस्ट दूंगी. पहले हम डो को 10 मिनट्स 15 मिनट्स रेस्ट देते थे. इसमें क्योंकि बेकिंग सोडा है उससे अपना एक्शन करना है, दूध है वो दोनों, तो फिर इस वजह से हम 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे. ओके जी, चिकन चीज़ी ब्लास्ट के लिए की स्टफिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें 1/2 कप चिकन है. ये मैंने इसको छोटे छोटे से काट लिया. आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं. 1 छोटी कटी प्याज है, धनिया पत्ता और सब्स मिर्चें हैं. ये सरका है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस और चिली सॉस 1 टीस्पून है. और ये सारे स्पाइसेस हैं जो इसमें जाएंगे. नमक हसब जायका है, आप ज़रा ध्यान से डालिएगा कि उन दोनों सॉसेस में भी नमक है. लाल मिर्च का पाउडर है, अदरक पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया है, ये है दड़ा मिर्च है, लहसुन पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर और ये हल्दी पाउडर है. तो ये सारी स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर जाएंगी. 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल है, उसको मैंने गरम कर दिया है. अब मैं इसमें ये प्याज डाल देती हूँ. अच्छा, अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं. 1 टीस्पून प्याज हो चुके हैं, अब हम इसे थोड़े तक पकाएंगे. ओके गाइस, तो ये वाइट हो चुका है. अब हम इसमें सिरका, चिली सोया और बाकी ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे. ऐड करके हम इसको मिक्स कर देंगे. हल्का सा पानी डाल के इसको हम ढक के पका लेंगे 10 मिनट तक. ये हो चुका है, इसका पानी आप देख रहे हैं खुश्क हो गया है. अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर जो मैंने काटा था वो मैं डाल दूंगी. डाल के हम इसको ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे क्योंकि टाइम है. ओके गाइस, हमारी डो ने को रेस्ट हो गया था 30 मिनट्स का. हमने इक्वल साइज़ की 5 बॉल्स बना ली हैं. अब हम इनको मैदा डस्ट करके अपने वर्क प्लेस पर इसको हम रोल आउट कर लेंगे, उसकी गोल रोटी बेल लेंगे. पतली सी हमने इसकी रोटी बेल ली है. अब हम इस छुरी की हेल्प से एक स्क्वायर की शेप काट लेंगे इसकी. तो मैं स्क्वायर की शेप काटती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ. तो हमने ये स्क्वायर काट लिया है. अब हम छुरी की मदद से यहाँ लाइंस लगाएंगे और यहाँ लाइंस लगाएंगे. तो मैं आपको काट के फिर बताती हूँ. ओके जी, हमने इसको इस तरह स्ट्राइप्स में काट लिया है. अब यहाँ हम इसको पानी लगाएंगे. पानी हमने लगा लिया है, अब हम इसमें फिलिंग करेंगे. चिकन की फिलिंग की है और क्योंकि ये नेम है इसका चीज़ी ब्लास्ट तो हम इसमें
ढेर सारा चीज़ डाल देंगे। हमने उसको उठा के यहाँ इस साइड पे रख दिया था, इसको हमने सील कर दिया, बिल्कुल पानी लगाया था हमने, इसको सील कर दिया। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको एक मैट की शक्ल दे देंगे। जैसा कि हम ये स्ट्राइप उठा के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से ये स्ट्राइप उठाकर यहाँ रखेंगे, ऐसे ही पूरा बना लेंगे। तो ये रेडी है, हम इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने पहले से भी रेडी कर लिए थे और इसको मैंने एक मून की शक्ल दी थी, क्योंकि हमारा एक पेड़ा छोटा था तो फिर हमने इसको इस तरह से कर लिया था। आप मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लें। तो फ्राइंग के लिए ऑयल रेडी है, हम वन बाय वन इसको डाल, इसी तरह हम इसमें साल डाल, ये जो मैंने बनाया था हम डाल, ये रेडी है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चिकन चीज़ी ब्लास्ट्स आर रेडी, तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी हौसला अफज़ाई होती है। तो अल्लाह हाफिज़।